यदि कोई भी व्यक्ति एक बार किसी भी सिद्धांत को पकड़ लेता है तो सर्वप्रथम वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है, वो रूढ़िवादी होता जाता है। उसे लगता है कि जो उसका सिद्धांत है वही सही है, उसका विश्वास ही विश्वास है, बाकी सब असत्य है। और जहां विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई, एक ही विचार घेरा डाल लेता है, मनुष्य और संकीर्ण होता जाता है, और यहीं से संघर्ष और द्वंद की शुरुआत होती है। किसी भी बात का विश्वास अविश्वास का भी विश्वास मोह में डालता है। विचारों में बहुत शक्ति है, वो अपनी पकड़ जड़ तक बना लेते हैं, और उनसे आसक्ति आत्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। यदि आपकी शिक्षा का कोई पालन करता है तो क्या वो भी बंधनों में बंध जाता है? मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। मेरा मार्ग ना सिद्धांत है ना ही दर्शन शास्त्र, केवल शुद्ध अनुभव है, परम सत्य का अनुभव। परंतु बुद्ध, यदि कोई आपके मार्ग को ही अपना सिद्धांत समझ ले तो? मेरा मार्ग अभ्यास का है, उसे ना तो किसी स्थूल पदार्थ की तरह पकड़ा जा सकता है ना ही उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। मेरा ज्ञान ऐसा समझें कि एक नाव है जिससे नदी पार की जा सकती है, परंतु नदी पार करने के उपरांत हम उसे अपने सर पे तो नहीं ढूले जाते ना। मन करता है कि आपके चरणों में गिर पड़ूं, किंतु अभी भी कोई ऐसी भावना है जिसकी पकड़ मुझ पर अब तक है। तीन तरह की भावनाएं होती हैं, सुखद, दुखद और तटस्थ। इन तीनों भावनाओं की जड़ें हमारे शरीर और मन में ही स्थित हैं। भावनाएं तरंगों की तरह उठती हैं और फिर स्वयं ही विलीन हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि पहले इन उठती भावनाओं की गहराई में देखो, समझो, जानो कि इनका उद्गम कहां से हो रहा है। चाहे दुखद भावना आए या सुखद भावना, केवल ये देखो कि वो उठ कहां से रही है। जब उसके मूल में पहुंचोगे तो पाओगे वहां केवल शून्य है, ऐसा शून्य जैसे नीला आकाश। वो शून्य तो है परंतु सबको अपने अंदर समेटे हुए है, एक चादर की तरह। बस अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये पाओगे कि लहरें उठना बंद हो गई। परम शांति की जो झील हमारे अंतर में है वो तो विचलित ही नहीं हो रही। फिर और गहरे में जाओगे तो पाओगे कि भूल कहां कर रहे थे। जो नश्वर है उसे अविनाशनीय समझ बैठे थे। अज्ञान ही सभी विषमताओं की जड़ है।
मैं केवल ध्यान की बात कहता हूं। ध्यान से अज्ञान दूर होगा, अज्ञान ना पूजा से, ना व्रत से, ना चढ़ावों से, ना किसी तप से समाप्त होगा। बहुत देर निद्रा में रहे संजय, उठो,